कलाकार का जीवन पुरखतर होता ही है। देश के स्वनामधन्य नर्तक, कोरियोग्राफर, रंग निर्देशक स्वर्गीय शांति वर्धन जी की जीवन गाथा में संघर्ष है, जटिलताएं हैं, देश प्रेम है, कलाओं के लिए समर्पण है। उसकी जीवन गाथा कितनी दुखद हो सकती है, शांति दा उसके ऐतिहासिक उदाहरण है। आज रंग श्री लिटिल बैलेट ट्रुप उनके स्मृति दिवस पर अपनी श्रद्धा समर्पित कर रहा है, कुछ पुरानी छाया छवियों और कुछ नाट्य रूपांतरणों के द्वारा। महज 10 वर्ष की उम्र में कोमिला से कोलकाता आए शांति क्रांतिकारियों के संपर्क में आए। किशोर मन में देश की आजादी के लिए तड़प पैदा हुई। उसका मन पढ़ने में कम और क्रांतिकारियों का साथ निभाने में ज्यादा रमा। वो उनके लिए संदेश पहुंचाने, उनके लिए रैकी का कार्य करने लगा। ऐसे ही एक असाधारण क्षण में पुलिस की रेड में वह गिरफ्तार हो गया, जेल में सजा भुगती। यहाँ जीवन में नया मोड़ आया। वे टिपेरा नृत्य के अंतिम गुरु श्री अबू सिंह के मार्गदर्शन में नृत्य अभ्यास करने लगे। टिपेरा और मणिपुरी नृत्य में उन्होंने दस्ता हासिल की और अपनी प्रतिभा का देश भर में प्रदर्शन किया। प्रसिद्धि और कला प्रवीणता के चलते उन्हें उदय शंकर के अल्मोड़ा स्थित कल्चरल सेंटर से जुड़ने और नृत्य स्टूडियो में अहम किरदार निभाने का मौका मिला। उदय शंकर से अलग होने के बाद जब वे नृत्य कला के क्षेत्र में नई राहों के अनुसंधान में लगे थे, तभी उनकी मुलाकात कवि श्री सुमित्रा नंदन पन से हुई। वे उन्हें लेकर मुंबई में भारतीय नाट्य संघ और सेंट्रल स्क्वाड के शिल्पी PC जोशी के पास आए, जहां उनकी क्रांति दृष्टि विचारधाराओं और शास्त्रीय तथा लोक कलाओं की अभिव्यक्ति को नया आकाश मिला। यहां उन्हें लीला सुंदरैया, दिनशानचारी, दीना सिंघवी, शांता गांधी, रेखा जैन, रेवा विद्यार्थी और गुलबर्धन आदि का साथ मिला। राष्ट्रव्यापी चेतना जगाने के लिए उन्होंने 1943 के बंगाल के अकाल को केंद्र में रखकर भूखा है बंगाल नामक दिल हिला देने वाली नृत्य संगीत की रचना की, जिसने बंगाल के निशक्त जनों को शेष भारत की संवेदना से जोड़ा। दिन रात की मेहनत के चलते वे बीमार पड़े। पता चला कि उन्हें संघातक माने जाने वाली बीमारी टीबी हुई है। उन्हें लंबे समय खर्चीले कसौली सेनेटोरियल में रहना पड़ा। तब मुंबई फिल्म जगत के कलाकारों ने बलराज साहनी की एक अपील पर उनकी खूब मदद की। शांतिदा कई पसलियों के काटे जाने के बाद ठीक तो हो गए, लेकिन शरीर बहुत ही बेडोल हो गया, भीषण कमजोरी हुई। अंधेरी स्थित खुसरू लॉन में वे इलाज के बाद रहने लगे। शारीरिक व्यथि ने उनकी मनोदशा पर विपरीत प्रभाव डाला, वे अवसाद में चले गए। जिस शांतिदा के बारे में किंवदंती सी बन गई थी कि उन्हें पांव पर खड़ी कोई भी चीज दे दी जाए वे उसे नृत्य में बदल देंगे,
वही शांतिदा अपनी रचनात्मकता पर संदेह करने लगे। पुरानी युवा नृत्यांगना साथी कुल जवेरी ने उनमें जिज्ञासा जोश भरकर उन्हें पुनः रचनात्मकता की ओर जोड़ा। उन्होंने पक्षियों, कठपुतलियों आदि के मूवमेंट पहले कुल से कराए, फिर नृत्य नाटिका में डाला। रामायण की विश्वविख्यात और बैले ऑफ द सेंचुरी से नवाजी गई रचना कठपुतली शैली में तैयार हुई। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू की कृति डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी तैयार की, जिसे विश्वव्यापी कृति मिली। दुर्भाग्यवश पंचतंत्र को अधूरा छोड़कर वे निसर्ग के उस प्रकाश में चले गए जहां से कभी कोई लौट कर वापस नहीं आता। कलाकार मरता नहीं है, वो अपनी कृतियों में, प्रेरणाओं में और स्थापित परंपराओं में जीवित रहता है। हम आज भी उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए अपने बीच ही पाते हैं।